T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया, जिसमें 10 विकेट से भारत को हार का सामना करना पड़ा। भारत का सबसे बड़ी हार है यह, क्योंकि अभी तक T20 वर्ल्ड कप में भारत को किसी भी टीम ने 10 विकेट से नहीं हराया था। यह बहुत बड़ी हार है भारत के लिहाज से। वहीं पाकिस्तान के लिए जीत ऐतिहासिक जीत रहा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में अभी तक या वर्ल्ड कप में भारत को कभी भी पाकिस्तान ने नहीं हराया था, इसीलिए यह पाकिस्तान के नजरिए से बहुत बड़ी जीत है, पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक जीत है। वहीं अगर दोस्तों बात करें तो भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के लिए बहुत बुरा वक्त रहा यह T20 वर्ल्ड कप में हार के साथ ही, क्योंकि सभी लोग मोहम्मद शमी को टारगेट किया और जमकर खरी खोटी सुनाई। दोस्तों बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया है मोहम्मद शमी को। अगर बात करें तो मोहम्मद शमी ने इस मैच में 3.5 ओवर की गेंदबाजी की और 43 रन दिए। इसके बाद बहुत ही लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, भद्दा भद्दा कमेंट करने लगे। उसके बाद पूर्व क्रिकेटर आए मोहम्मद शमी के सपोर्ट में, सभी ने इनका सपोर्ट किया। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान, युजवेंद्र चहल, जहां तक कि पाकिस्तान से भी इनके सपोर्ट में खड़े हुए। शोएब अख्तर ने इन्हें सपोर्ट किया और ट्विट हैंडल पर ट्वीट करके मोहम्मद शमी का हौसला बढ़ाया। दोस्तों अगर बात करें तो भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, उन्हें पाकिस्तान तक जाने के लिए कह दिया गया। दोस्तों भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी भारत के टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर देखा जाए तो मोहम्मद शमी भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर देखा जाए तो शमी भारतीय गेंदबाज में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज माना जा रहा है। शमी एक चैंपियन खिलाड़ी है, हम सभी भारतीय का गर्व है उनके ऊपर। दोस्तों जो लोग उन्हें कमेंट करके भद्दा भद्दा अशब्द कह रहे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि जब भी भारतीय टीम में कोई खिलाड़ी खेलते हैं वह हमेशा जीत के लिए खेलते हैं, लेकिन हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन अपने खिलाड़ी को इस तरह से गलत अशब्द नहीं कहना चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय है? अगर आप भी मोहम्मद शमी को एक बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। इसी तरह के और क्रिकेट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें।